नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए राज्य सरकारों ने पाबंदियां बढ़ाना अब शुरू कर दिया है। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो किसी शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कई जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान जारी कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना वायरस को देखते हुए कानपुर, वाराणसी, नोएडा, लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा कर दी है। मंगलवार की रात 10 बजे से इसे लागू भी कर दिया गया। अब 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया और पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। तो इसी तर्क पर दिल्ली और गाजियाबाद को लेकर जनता के मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोरोना के केस और ज्यादा बढ़ने लगे तो क्या दिल्ली और यूपी में भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। तो वहीं इन सबके बाद लोगों के दिल में एक बार फिर से लॉकडाउन की दहशत घर करती जा रही है। लॉकडाउन के डर से आपको बताते चले, मुंबई और दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूर एक बार फिर से वापस अपने गांव की ओर पलायन करने लगे हैं। लोग नहीं चाहते कि अगर देश या दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगे तो उन्हें फिर से उन यातनाओं से गुजरना पड़े जिससे आप पिछले साल गुजरे थे। यही कारण है कि रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो कोरोना के बढ़ते मामले अपने आप में डराने वाले हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर एस बेदी हैं, एडवाइजर हैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ संजय मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। रामा मिश्रा केसरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आरा न्यूज पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगी। 1.25 लाख के आर पार मामले सामने निकल के आए हैं। अगर 24 घंटों की बात करें, 1.25 लाख के आसपास मामले सामने निकल के आए हैं। ये अपने आप में जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डराने वाले हैं बेदी साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, अगर आप ये कोरोना की जो पिछले एक साल की हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहले भी हिंदुस्तान में ये कोरोना की जो वेव आई थी वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में 2 या 3 महीने के बाद दिखी थी और पीक भी 2-3 महीने के बाद हुई थी। उससे हमें थोड़ा टाइम भी मिल गया था और थोड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का भी टाइम मिल गया था। बट आज डॉक्टर होने के नाते मुझे बहुत सराहनीय है कि पहले चरण में हमने 500 केसेस में कंप्लीट लॉकडाउन सारे हिंदुस्तान में कर दिया और आज हमारे लाखों में रोज केस आ रहे हैं और फिर भी हम लॉकडाउन करने में कतरा रहे हैं। अब अगर हम इकोनॉमी से भी इसको जोड़ के देखें तो अगर हम, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में हमें ब्रेक दी चेन, ब्रेक दी चेन, ब्रेक दी चेन, ये मंत्र जो है इसको सामने रख के हमें ये देखना है कि हो सके तो अगर हफ्ते 10 दिन के लिए हमें लॉकडाउन खास करके उन स्टेट्स में या उन जगहों पे लोकलाइज्ड लॉकडाउन, स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन और लिमिटेड लॉकडाउन, ये सब जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और इसका वक्त अब आ चुका है। अगर हम और देरी करेंगे तो ये जो वायरस है ये पॉलिटिक्स नहीं करता और ना ही ये पॉलिटिक्स को समझता है और ना ही ये इकोनॉमी को समझता है। तो हमें वायरस की जंग को वायरस के हिसाब से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन बेदी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि 73,000 के आसपास कर्फ्यू पास के लिए आवेदन किया गया। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि कर्फ्यू पास हम इतने संख्या में जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो आवेदन किया है उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल बेदी साहब यहाँ पर यह बन जाता है कि अब उस जनता का क्या जो ये चाहती है कि ई पास हमारे पास आ जाए ताकि हमारी जो जरूरतें हैं, कम से कम जिन्हें काम पर जाना है, जिन्हें नौकरी पेशा जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, तो वो आखिर क्या करें। आपने कहा लॉकडाउन लगाना जरूरी है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकारों ने कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर नाइट कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लग जाता है तो स्थितियां क्या हो जाएंगी, आप समझ रहे हैं बेदी साहब? या
मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि लोग पिछले एक साल से बहुत परेशान हैं और इस स्थिति में ये उनके जो घर के जो हालात हैं वो काफी बिगड़ चुके हैं, मगर ये एक गुड गवर्नेंस का हिस्सा होता है। हमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली वेव भी इंडिया में 2-3 महीने के बाद आई थी और हमें ये पता था कि ये जो बाहर के मुल्कों में सेकेंड वेव आई है और अब ये इंडिया में भी 2-3 महीने के बाद आएगी। अब मेरा ये सवाल है कि इस दौरान पे सरकारों ने या स्टेट की हो या सेंटर की हो, उन्होंने क्या ऐसे कदम उठाए जिससे वो अपने आप को कर सके सेकेंड वेव से लड़ने के लिए। ना तो उन्होंने डॉक्टर की नियुक्ति की है, ना उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज किया है, ना उन्होंने उस टाइम पे इकोनॉमी में कोई बूस्ट करने को उनके लिए कोई समाधान किया है। तो ये एक नीति के तौर पे सरकारों को ये चलना चाहिए था ताकि सेकेंड वेव जब आती और जब आ गई है तो हम तैयार रहते पूरी तरह से ये इससे लड़ने के लिए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट या मैं दोबारा कह रहा हूँ स्टेट की या सेंटर की, दोनों ने ही इसके लिए तैयारी नहीं की। आज भी मैंने कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन लगाया गया था उससे पहले चलिए हमें ऐसी स्थिति आ सकती है इसका पता नहीं था, लेकिन हमें कम से कम दूसरे फेज के लिए तैयार रहना चाहिए था, ये आप कह रहे हैं। केसरी साहब जवाब दीजिए, केसरी साहब। एग्जैक्टली आप देखिए, अब पहली बार ठीक है जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामा मिश्रा केसरी जी। केसरी साहब जवाब दीजिए, सरकारों को तैयारियां करके कम से कम रखना चाहिए था, कहना है डॉक्टर साहब का। पहले तो जरा मेरा नाम आर के मिश्रा है। अच्छा ठीक है मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है, माफी चाहते हैं। मिश्रा जी जवाब दीजिए। जी जी, ऐसा है, डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव बताया है निश्चित तौर पर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इस चीज को आंख मूंद करके कभी नहीं सोचा, क्योंकि इसकी दूसरी लहर नहीं आएगी ऐसा कभी नहीं सोचा, बल्कि उसके लिए उन्होंने पूरे प्रयास भी किए हैं और कर रहे हैं। जहां तक बात है जो कि हम लोगों की भी बात है, एक आम जनता की बात बता रहा हूं कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ और जब कोरोना का जो ग्राफ था वो जब नीचे आया, थोड़ा सा इको ज्यादा हो रहा है हमारे साउंड में, थोड़ा सा अगर सही करवा दे, पीसीआर चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है मिश्रा जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था जो कि जब लॉकडाउन मतलब खत्म हुआ और जब इसका ग्राफ जब नीचे आया कोरोना का, तो आम जनता में जो वो भय था जो पहले स्टेज में था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, और जो चाहे वो मेट्रो हो, चाहे बसें हो, चाहे वो पर्सनल व्हीकल्स हो, जहां पे कहीं कोई गैदरिंग था, मार्केट हो, कहीं पे भी वो एक डर जो था फर्स्ट 3 महीने का वो 4 महीने का जो डर था, वो कोरोना के प्रति किस तरह से भय था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। क्योंकि देखिए, हम लोग कभी कभी क्या होता है, सरकारें पूरी जागरूक रहती है, सरकार को पता होता है, और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे आप इस चीज को नकार नहीं सकते जो कि सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। देखिए 130 करोड़ जनता है, एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ का एक कदम एक तरह से एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है भारत को ग्लोबल लेवल पे। तो वहां अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेगा या वो रोल मॉडल को अगर आगे कैरी नहीं करता है तो ये चीज गलत होगा। मैं ये कह रहा हूं जो कि यहाँ की जो जनता है, चाहे वो मैं रहूं, आप रहे, कोई भी रहे, वो जो भय था, आप कहना चाहते हैं कि जो भय था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, जनता ये भूल चुकी है कि अभी भी कोरोना हमारे बीच में, यही कहना चाहते हैं मिश्रा जी। पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, यहाँ भी सरकारें भी भूल चुकी हैं कि अभी कोरोना हमारे बीच है और जनता भी भूल चुकी है। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज बता देता हूँ, आप कह रहे हैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, आप नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि इन राज्यों में कोरोना नहीं है। अगर मैं आपकी बात को मानूं कि सरकार को भी याद है कि कोरोना की स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं भूल गई है, इसी की वजह से केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि इन 5 राज्यों में सरकार भी भूल गई है और जनता भी भूल गई है। आप ये भी बोले ना सरकार भी भूल गई। देखिए महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव है, दिल्ली में कौन सा चुनाव है,
महाराष्ट्र और दिल्ली में तो कोई आप, चुनाव आप नहीं है, यहाँ की बात, लेकिन वहां अगर आंकड़े बिहार सामने में निकल क्या, के आ रहे हैं। आप मुझे बताइए पश्चिम बंगाल में अभी कोरोना का आंकड़ा क्या है, आप बता दीजिए। पुंडुचेरी, असम मैं बता दीजिए, देखिए निश्चित तौर पर बताइए। 3 से 3.5 हजार का पर डे का केस है, 3 से 3.5 हजार का पर डे का तो केस है। आप सीधा आप अगर सीधा ये चुनाव के कैसे कह परिप्रेक्ष्य सकते हैं में कि देखें, जनता भूल गई है? आप ये भी कहिए देखिए ना जनता कि हमारी रैलियों में हमें नजर नहीं आता है कि कोरोना है, हम जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं हमें नजर नहीं आता है कोरोना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए कभी भी कोई चुनाव प्रचार करने अगर जाता है तो कभी भी जनता को यही कहा जाता है जो कि आप उसके लिए सावधानियां जरूर बरतें, आप हाँ। मास्क जरूर लगाएं, डिस्टेंस जरूर कैरी करें, सब कुछ कहा जाता है। लेकिन वहां जनता अगर नहीं उस चीज को ध्यान देती ठीक है है, तो इसके जनता लिए नहीं ध्यान पार्टियां देती है। जिम्मेदार। मुझे मुझे एक कोई पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, जहां भी आपके प्रवक्ता गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री गए रैलियों में, मुझे एक कोई ऐसा बता दीजिए जहां पर नेता बैठे हुए हैं और वो मास्क लगा के बैठे हुए हैं और जनता भी वहां पर मास्क लगा के बैठी हुई है, अभी जो रैलियां सामने निकल के आ रही हैं, ये मुझे नहीं, बता मैं दीजिए तो जरा कह रहा हूं सा। रैलियां जो जनता करने भी गए मास्क लगा, देखिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री, वो मुझे जरा सा बता दीजिए। इसके साथ साथ ये भी बताइए, शिवराज सिंह चौहान अभी गए थे रैलियां करने के लिए, जब उन्होंने रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस दौरान क्या उन्होंने मास्क पहना था? क्या उन देखिए लोगों ने ऐसा पालन है, देखिए किया? मास्क तो बहुत सबने गलत लगाया संदेश है, जा रहे ऐसा हैं तो नहीं इसमें, कि कोई हमारे सीधा देश में जनता पर वीडियो तो ठीकरा आया फोड़ नहीं। देना और ये कह देना कि जनता भूल गई है। नहीं आप नहीं ये भी पहले बोलिए ना आप कि सरकार भूल गई है। बेदी साहब, देखिए, आपने पहले यही कुछ आप कहा था ना कि सरकारों ने पहले पहली बात आप तो पूरी इंतजाम जवाब ही नहीं नहीं किया सुन उसके रही हैं, तरीके पहले से, आप मेरी और पूरी जवाब दूसरी ही नहीं तरफ सुन रही हैं आप। आपकी बात मैंने सुन लिया। दूसरे गेस्ट की भी पास जाने दीजिए ना मिश्रा जी, आपके पास अभी जी जी वापस जी आएंगे। बिल्कुल बेदी मैम, जी, जी आपने जी कुछ अभी यही कहा था कि पहला फेज चलिए ऐसा आया, उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि ऐसी भयावह स्थिति से हम गुजर सकते हैं, लेकिन अब जब हमें पता है कि कोरोना से स्थिति बद से बदतर हो रही है, अगर दुनिया की बात करें तो अगर दुनिया में 5 केसेस सामने निकल के आ रहे हैं तो एक केस उसमें हमारे देश का है। उन 5 केसेस में दुनिया में एक मरीज जो निकल रहा है, कोरोना पॉजिटिव जो निकल रहा है, वो हमारे देश का निकल रहा है, लेकिन मिश्रा जी के लिए सिर्फ जनता दोषी है इस बात के लिए। देखिए मैं बेदी दोष साहब, तो दो दे ही नहीं रहा बातें हूं, और भी आप अलग जोड़ना परिपेक्ष में ले जा चाहूंगा। रही हैं इससे आप ये देखा डिबेट गया है कि को। सत्र रिवाइंड देश करके में, सुन लीजिएगा मिश्रा जी, समझ में आ जाएगा। हाँ बेदी साहब, जवाब दीजिए। हाँ जी, इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। एक तो डबल म्यूटेशन, जो हम नया स्ट्रेन की बात करते हैं, वो जो है उसपे जो अब सीमित में है वो अगले 10-15 दिन में समझ आएंगे हमें। ये बात तो तय है कि इसकी स्प्रेडेबिलिटी, जो सेकेंड वेव का स्ट्रेन है इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा है, उसकी सिवियरिटी कितनी होगी अगले 10-15 दिनों में हमें वो भी मालूम पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दूसरे स्ट्रेन है, जो सेकेंड वेव का, इसमें बच्चे भी काफी बड़े तादाद में इफेक्ट हो रहे हैं, और इसकी जो है एक अपनी अलग से इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चे हालांकि वो माइल्ड हो रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, बट दे कैन बिकम सुपर स्प्रेडर्स, और उनके थ्रू ये इंफेक्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो ये पहले चरण के जो वेव थी उसमें ये नहीं देखा गया था कि बच्चों में ये आ रहा है, बट अब काफी जो संख्या में ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। जो आज के आंकड़े में बताऊं तो 80,000 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं इस सेकेंड वेव से कोरोना की इंफेक्शन से। बेदी साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 6,000, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 6,000 केसेस में से 40 मरीजों की मौत हो चुकी है, अगर 24 घंटे की बात करें। इतने आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक गांव बेदी साहब ऐसा है कि वहां पर इतनी संख्या में कोरोना से मौतें हुई हैं पिछले, अगर एक हफ्ते की बात करें, कि वहां पर मुक्ति धाम में उनका संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं बची है। केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या इसका सोल्यूशन निकल आएगा? देखिए बेदी मेरे साहब, हिसाब से डॉक्टर होने के नाते मैं सिर्फ यह बात करूंगा, पहले तो एक वैक्सीन जो है ये आज के दिन में ये जरूरत है कि सिर्फ 45 साल से ऊपर ही नहीं, 45 सबके लिए ये खोली जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन जहां जहां पर केसेस ज्यादा हो रहे हैं एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक साइंटिफिक युग है, और हम जो ये ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन आगे आकर अगर वो डिसीजन लेंगे और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को पीछे रखेंगे तो हम ये जंग जो है वो जीतेंगे नहीं। ये आगे जाके हम मुझे में लग रहा है कि हम काफी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। ठीक है, संजय मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू भी उसी का हिस्सा है ताकि कोरोना से निपट सके, और क्या तैयारियां?
ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि जो वैक्सीन आप दे रहे हैं वो सब किसी को दें, इसके अंदर स्लैब क्यों? यदि इतना ही डर है और सरकार इतनी ही प्रिपेयर थी इसके लिए, 24 मार्च में कोरोना के लिए लॉकडाउन हुआ था और कोरोना से 24 मार्च से लेकर प्रधानमंत्री जी ने और देश की जो भी हमारी नेता लोग हैं और हमारी सरकार है पूरी ढोल पीटी कि हमारे पास वैक्सीन आ गया, अब मैं कोरोना से कोई नहीं मरेगा। अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा, आपके पास भी केसेस आ रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं संजय जी, कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं। मेरा सवाल ना ही वैक्सीन पे है, मेरा सवाल ना ही इस पे है कि केंद्र से आपको क्या सहूलियतें दी जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी क्या तैयारियां हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की आप वो बताइए। दिल्ली की जनता के लिए जो तैयारी पहले सरकार ने की है, आम आदमी पार्टी की सरकार क्या तैयारी की थी आप लोगों के सामने है, और आज भी केजरीवाल साहब वो पूरी तैयारी में है, लेकिन केंद्र की जो गाइडलाइन क्या तैयारियां आप ये बताइए संजय जी, तैयारियां क्या की जा रही हैं आप उसका जवाब दीजिए। क्या सहूलियतें बरती जा रही हैं जनता के लिए, परेशानियां कम से कम कम उठानी पड़े उसमें क्या तैयारियां की जा रही हैं वो गिनवाइए आप। आपको आपको ये पता है कि केंद्र की ये गाइडलाइंस होते हैं इसके लिए? होते हैं ना, आज प्रधानमंत्री मीटिंग भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग भी कर रहे हैं, उसके लिए एक नया गाइडलाइंस आएगा। अभी तक तो ये अनाउंस आप लोगों की तरफ से ये नहीं मिला है खबर अपने को कि कहीं 8 बजे प्रधानमंत्री जी ना ये कह दें कि हम 8 बजे आने वाले हैं, फिर तो देश के लिए एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है, यहाँ पे पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, यहाँ यहाँ जनता के स्वास्थ्य का मामला है। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पे राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना होगा। आज एक राज्य की सरकारें क्या कर सकती है, एक गरीब और मजदूर, जैसा आपने देखा और आप वो ब्रेकिंग में आप चला भी रही है कि मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। क्यों शुरू होगा मजदूरों का पलायन, सरकार समय रहते हुए इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या ये राज्य सरकारों की दायित्व है आज? आप खुद जरा इस चीज को, हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जरा इनसे पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट लोगों को समय पे खाना दे सकती है, उनके उनको बोले घर के अंदर रह लो, क्या उनसे उनका जीवन चलेगा? आज एक साल के अंदर ये दूसरी बार है, हमारी क्या तैयारी है कोरोना को लेके? सवाल मेरा यही था, आपका सवाल यही था ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आज तैयारी मेरी क्या है। आज सरकार ने बोला कोरोना से हम निकल गए, जैसे जैसे इनको गाइडलाइंस आई केंद्र की, आप लॉकडाउन खोल दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट वैसे लॉकडाउन खोलती गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि केंद्र का सहयोग क्या मिल रहा है राज्य सरकारों को? ये तो मायने रखेगा ना, केंद्र सरकार के पास तो एक अपना लिमिट है। और आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर प्रवासी लोगों का जो जनसंख्या है, चाहे वो पूरब के लोग हों, बिहार के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, वो किस काम के लिए आते हैं? रेड़ी पटरी रिक्शा चलाने वाले, ठेली पे काम करने वाले लोगों के लिए जितना बन पाया सरकार ने किया और अभी भी जितना बन पाएगा आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन ये तो अस्थाई सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसके लिए तो कोई ना कोई एक अस्थाई सॉल्यूशन लेके आना होगा। आज आज जो दवा पे आप कह रही हैं कि उसका उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है आरके मिश्रा जी जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये आप पर आरोप है कि आप राज्य सरकारों की मदद ही नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या है? ऐसा है, संजय जी अभी कह रहे थे राजनीति नहीं करने के लिए, मैं बिल्कुल चुप होकर उनकी बातें सुन रहा था और ठीक सही बात है, ये मेरा कोरोना तेरा कोरोना वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ पे राज्य सरकार के साथ और केंद्र के सरकार के साथ बिल्कुल मिल करके इसको इसके पीछे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये मेरे से प्रश्न कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार ने इनको कोई मदद नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ जो दिल्ली में इनकी सरकार है इन्होंने तैयारियां क्या की है, एक चीज बता दीजिए, यहाँ पर कोरोना काल में इनके कितने पार्टी के कार्यकर्ता, कितने पलायित जो मजदूर थे उनके लिए ये खड़े रहे? कभी नहीं खड़े रहे ये। जो आम आदमी पार्टी की सरकार अभी जिस तरह से राजनीति कर रही है, देखिए पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन इन्हीं में समस्या है, और जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं इसमें कहीं पे भी समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स, मिश्रा सर सुनिए इधर, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? एक मिनट सुनिए इधर, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बात पूरी होने दीजिए, आप सुनने की कोशिश करिए, ठीक है बात पूरी करिए, कोशिश नहीं करिए। आप देख लीजिए 8 मिलियन जो डोजेज थे वैक्सीन के डोजेज थे महाराष्ट्र सरकार को दी गई थी, आज टोपे साहब जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं,
जो कि सारे सेंटर को बंद कर दिए जाएंगे अगर केंद्र से हमको वैक्सीन नहीं मिलेगी। आप एक चीज बता दीजिए, 8 मिलियन ये अपनी कमी को छुपा रहे हैं। देखिए, इनको अवेयरनेस लगाना चाहिए, इनको जागरूक करना चाहिए जनता को, जो जाकर के वैक्सीन लगवाएं। लेकिन ये जागरूक करने में इनकी जो विजन है, डेप्थ ऑफ विजन इतनी लैक है, जिस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आदमी वैक्सीन पड़ी हुई है लेकिन डोज लगवाने के लिए बंदे नहीं जा रहे हैं। आप देखेंगे कम से कम 31 जुलाई तक कम से कम इनका जो सेंट्रल का जो टारगेट था वो 250 मिलियन का टारगेट था, क्योंकि वहां पर 31 जुलाई तक लगाया जाएगा। लेकिन कम से कम 3.5 मिलियन पर डे का जहां पर वैक्सीन का डोज लगना चाहिए था, वहां पर 1.8 मिलियन डोजेस शॉर्ट हो रहे हैं। ये किसका फेल्योर है? ये राज्य सरकार का फेल्योर है या केंद्र सरकार का? ये केंद्र सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। आप हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिए, आप कहीं पे भी वैक्सीन की कमी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में मिला करके आप देखा होगा, आपने पिछली लहर आई थी कोरोना की, इसमें दिल्ली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, खास करके जब केंद्र सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके इसको किया, तब जाकर के कोरोना का ग्राफ नीचे हुआ। इसमें राजनीति करने की जरूरत कहाँ है? अगर आपको जनता के अंदर में जागरूक करने के लिए आपके पास डेप्थ विजन नहीं है, आप देखेंगे, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, जो कि डोज लगाने के लिए लोग अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाएंगे, अरे अवेयरनेस करिए आप, ये राज्य सरकार का काम है। सर मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, मिश्रा सर गलत चीजें, मिश्रा साहब जी, आप एक मिनट मेरा सुनिए पहले। जी बिल्कुल, आप बताइए। नहीं, आपको प्रचार, देखिए यहाँ मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर हो गई है कि हर आपदा में अवसर खोजना है भारतीय जनता पार्टी को, हर आपदा में अवसर आपको खोजना है। मैंने आपसे ये कहा था कि केंद्र सरकार का सहयोग सभी राज्यों में मिलना चाहिए और राज्य सरकारें उस काम को करेंगी। मैंने कोई आरोप आप पे नहीं लगाया, मैं ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि बंगाल में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहीं कोरोना है। बंगाल में आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के प्रचार कर रहे हैं, आप लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और बंगाल सरकार को आप दोष देते हैं। अरे आप दिल्ली को ध्यान दीजिए ना, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है ना आप, दिल्ली के ऊपर में ध्यान दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के ऊपर में आपकी तैयारियां क्या है, आपने लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया है मुझे बता दीजिए। सर आप 1.8 मिलियन शॉर्टेज है वैक्सीन लगाने के लिए, जबकि टारगेट होना चाहिए पर डे का 3.5 मिलियन, लेकिन 1. अभी भी शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? दिल्ली में अभी तक आपने कितने डोजेज लगाए हैं थोड़ा सा मुझे बता दीजिए इसका, कितना अभी तक आपने डोजेज? जवाब दे रहे हैं संजय मिश्रा जी, हाँ जवाब दे रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की बात करिए ना। मैं दिल्ली पे आ रहा हूँ। दिल्ली में आपने कहा अवेयरनेस के लिए क्या करने हैं, मुख्यमंत्री जी रोज सुबह और शाम टीवी पे आके यही कह रहे हैं लोगों को। अरे मैंने भी टीका प्रचार कर रहे हैं, आप टीवी पर क्या कर रहे हैं, 650 करोड़ का आपने केवल, आपको दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार जब लगी है, आप और कहीं भी आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है, ये आपको पता है या नहीं पता है? अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है। अच्छा, जो 650 करोड़ जो आपने एड पर खर्चा किया है, आप 13,000 करोड़ एमसीडी को नहीं दे रहे हैं आप, ये कौन बताएगा ये सब चीज? एक मिनट जवाब दीजिए, संजय मिश्रा जी का ये फेल्योर है, आपको माथा मरने की जरूरत नहीं है। ठीक है आपके मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी मैं आपको बहुत शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। मिश्रा साहब आप ये कह रहे हैं, कि कोरोना के लिए हम प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, यह तीसरी बार की सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, ये तीसरी बार की सरकार है सर, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं और आपकी दिल्ली तो विडंबना है। ठीक है, कोरोना और मेरा कोरोना जो कर रहे हैं ना, ये आपका कोरोना और मेरा कोरोना जो कर रहे हैं ना, इसमें जनता पिस रही है। ये देखिए राजनीति, संजय मिश्रा जी ये आपकी राजनीति, कोरोना की दूसरी लहर है, आपकी तीसरी बार सत्ता में बैठे हैं, ये आपकी राजनीति है। नहीं अरे आप तैयारियां बताइए ना, राजनीति छोड़िए अभी सर, बिल्कुल बेहद गंभीर मसला है ये। बिल्कुल सरकार तैयार है,
सरकार से जितना बन पाएगा उससे ज्यादा जाकर के गरीब जनता आम आदमी पार्टी क्या उसी तरीके से कि लास्ट ईयर को मैं याद करूं जब मुख्यमंत्री साहब ये आकर के बोलते थे ट्विटर पर आकर के बोलते थे कि प्रवासी मजदूर पलायन न करें, उसी तरीके से सिर्फ अभी टेलीविजन स्क्रीन पर इनका एक भी कार्य करता कि हाँ इनका एक भी कार्य करता पलायित मजदूर के साथ कोई खड़ा नहीं था इनके इनके एक भी कार्य करता जवाब दीजिए संजय मिश्रा जी, बेहद गंभीर मसला है महाराष्ट्र और दिल्ली से मजदूर फिर से पलायन करने लगे हैं, आपको दिल्ली से मजदूर पलायन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से पलायन कर रहे, दिल्ली से भी अब जा रहे हैं वापस, तैयारियां क्या वो बताइए, ट्विटर पर फिर से ज्ञान देंगे क्या केजरीवाल आकर के कि मत जाइए? नहीं नहीं केजरीवाल साहब कभी ज्ञान नहीं देते, कभी ज्ञान नहीं देते, वो तो काम करते हैं। आप मुझे बताइए क्या तैयारियां हैं? उनकी उनके काम करने के तरीके पे देखिए कि ट्विटर पर आकर के काम करेंगे, ट्विटर पर आकर के काम करेंगे, लास्ट ईयर भी यही किया था उन्होंने, अभी भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर आकर के फिर यही कहेंगे कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर दवाई करवा रहे हैं, इसकी वजह से मेरी दिल्ली की जनता को वो सहूलियतें नहीं मिल पा रही है, जनता के लिए अभी तक लागू नहीं होने दिया, इन्होंने आयुष्मान योजना को अभी तक लागू नहीं होने दिया, क्यों नहीं लागू होने दिया इन्होंने, क्यों नहीं होने लागू होने दिया? ये तेरी राजनीति और मेरी राजनीति की बात है ये। मिश्रा साहब मुझे एक मेरे एक बात का जवाब दीजिए। संजय मिश्रा जी आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए जवाब। नहीं नहीं बिल्कुल एक बात का जवाब दीजिए, उसी में आपके आपका जवाब मिल जाएगा। अरे आपने आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू किया? अगर ये जनता अगर लाभान्वित हो रही थी केंद्र सरकार की योजनाओं से, आपने लागू क्यों नहीं होने दिया? ठीक है आगे मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं ना, मुझे जवाब देना चाहते हैं, उसी पे आ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है मिश्रा जी, आपसे आपकी सरकार है, आपने क्या किया है? ठीक है सर जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए संजय मिश्रा जी। आयुष्मान में आप कितना देते हैं मरीज को? आयुष्मान में आप कितना देते हैं मरीज को? 5 लाख रुपए का इलाज वो उस व्यक्ति को, एक मिनट आप उस व्यक्ति को देते हैं जिसके घर में स्कूटर ना हो, जिसके घर में टीवी ना हो, जिसके घर केंद्र की योजना है उसको क्यों नहीं लागू किया? मुझे एक चीज बताइए, क्यों नहीं लागू किया आपने? सर क्यों नहीं लागू किया? क्या कमी नजर आ रही थी जो कि आपको लागू नहीं होने दिया आपने? एक बार इसमें राजनीति कौन कर रहा है सर? इसका मतलब इसमें राजनीति कौन कर रहा है? आप हॉस्पिटल का किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है वो मुझे बताइए। क्या पिछले बार की तरह एलएनजेपी में जिस तरह से हाल हुआ था, जो डेड बॉडी को बेड के नीचे रखा गया था, क्या इस तरह से फिर इस बार व्यवस्था करने जा रहे हैं क्या आप? आपकी जवाब नहीं बनती है, हमें तो जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। आप टीवी पे बैठ के या तो हम लोग झूठ बोलें, राजनीति करें। मैं आपको आपके सामने मिश्रा साहब मेरी बात को सुने, पहले बात को सुने। यदि केजरीवाल साहब केजरीवाल की सरकार काम नहीं कर रही है दिल्ली में, तो आपको एक नया कानून क्यों पास करना पड़ा उनको रोकने के लिए? आप ये बताइए, संजय मिश्रा जी सवाल का जवाब देंगे? मजदूर पलायन कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर नहीं रहे हैं आप? क्या तैयारियां सरकार में लगे हुए हैं? नहीं ठीक है एक मिनट, संजय मिश्रा जी काम नहीं कर रही है, आपको ऐसी क्या मजबूरी हो गई? आपको डर तो यह मजदूर पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से क्या तैयारियां? केजरीवाल, वो मैंने पहले आपके बात का जवाब दे दिया। क्या नहीं दिया आपने जवाब? घुमाए केजरीवाल सरकार गरीबों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तैयारियां क्या की है आप वो बताइए, पलायन करने वाले मजदूर के लिए तैयारियां क्या की जा रही है वो बताइए, पलायन करने वाले मजदूर के लिए आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली जल्दी बताइए, दिल्ली से कोरोना को लेके, सिर्फ कोरोना को लेके जिसको कोई तकलीफ हो कोई भी व्यक्ति पलायन नहीं करेगा। संजय मिश्रा जी आप थोड़ा डेटा उठा करके देख लीजिए, दिल्ली से मजदूर पलायन कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें दोबारा उभर कर सामने आ रही हैं, और आप कर रहे पलायन नहीं करेगा, संभाल करते हैं आप? के पास बेड नहीं है, मेरी साहब हमारे पास कोरोना की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, कोरोना पर सियासत हो रही है, वैक्सीन पर राजनीति हो रही है, क्या इस तरीके से इस महामारी से निपटेंगे हम? बेदी साहब देखिए स्टेट और सेंटर के प्रवक्ताओं से मेरी एक डॉक्टर होने के नाते एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसके मैं स्पेसिफिक आंसर मांग रहा हूँ। आप भी कोशिश कर रहे हैं मगर ये आपको भी बता रहे हैं और जनता को भी बता रहे हैं, काफी देर से मैं ये देख रहा हूँ। अब मुझे ये सवाल करने हैं कि आप लोगों ने कितनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाई है, कितने हॉस्पिटल के आईसीयू बेड की और योजना की है, कितने वेंटिलेटर और किए हैं, कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति की है, और जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनको कितने आपने इंक्रीज किया है। उसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है
डॉक्टर्स और हेल्थ के वर्कर्स के साथ करीब 800 डॉक्टर भी जो है वो शहीद हुए हैं पिछले जो एक साल के कोरोना की जंग में, और उनके साथ किसी ने भी ना तो सहानुभूति की है ना उनको कंपनसेट किया है। आज उनमें भी फटीक आ चुका है कि जो फटे हुए है इसमें हम अधमरे पहले हुए हैं, और अगर ये सेकेंड वेव खुदा ना खास्ता ये अगर पहले से ज्यादा तीव्र गति से आएगी ये लग रहा है, तो आप सुन सकते हैं कि ये मुल्क का क्या हाल होने वाला है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के लिए प्रार्थना है कि हेल्थ के बजट को बढ़ाइए, सेंटर से भी ये इल्तिजा है और स्टेट से भी इल्तिजा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इमीडिएटली मजबूत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिश्रा जी प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुन रहे थे वो आप लोगों को, और बनने वाली है। हाँ ठीक है, आर के मिश्रा जी। डॉक्टर साहब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ करके मैं बात करना चाह रहा हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप निश्चित बहुत अच्छा चीज आपने उठाया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कितने आईसीयू बेड हैं ये है। देखिए अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो अभी तक जितने पिछले हेल्थ वर्कर हैं उनको तनख्वाह तक नहीं मिली है, उनको तनख्वाह तक नहीं मिली है, वो किस आधार पर जाकर के वो काम करें। देखिए यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ के जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। मैं संजय मिश्रा जी से सवाल करना चाहता हूँ, जो कि अभी तक उनके तनख्वाह क्यों नहीं मिली है, क्यों हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? जो हेल्थ वर्कर को सबसे पहले आप तनख्वाह दीजिए, हेल्थ वर्कर एमसीडी के अधीन में आता है और एमसीडी को ये पैसा रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वजह है जो इसको अभी तक बताइए, कैसे हेल्थ वर्कर काम करेंगे, कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे अगर आप किसी को तनख्वाह नहीं देंगे? आप छह महीने साल भर हो गया है तनख्वाह मिले हुए हर एक हेल्थ वर्कर को, हर एक सफाई कर्मचारी को, लेकिन ये तनख्वाह देने के लिए मजबूर नहीं है अभी तक, ये इनको कोई इरादा ही नहीं है। इनको हाई कोर्ट को 4 दिन पहले हस्तक्षेप करना पड़ा है, तब जाकर के पता नहीं अभी क्या, अभी तक उनके लिए कोई बनाया नहीं उन्होंने विजन जो कैसे हम हेल्थ वर्कर को इनको तनख्वाह दें या कैसे पैसे दें। ये एक चीज मैं संजय मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, ये कब हेल्थ वर्करों को पैसा देंगे ये? ठीक है संजय मिश्रा जी, मैं सिर्फ एक सेंटेंस में एक बात यहाँ एक और करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है बेदी साहब बोलिए। मैं एक मैडम मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 10 डोज की राय लग रही है और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कम से कम 15 या 20% जो डोजेज हैं वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि ये 4 घंटे में 10 डोजेज जो है वो लगानी पड़ती है। हाँ। तो मेरी ये एक और रिक्वेस्ट है सेंटर से भी कि ये 5 डोज की वायल भी है वो भी जारी करें ताकि वेस्टेज कम हो। अगर हम 15-20% वेस्टेज करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में ये वेस्टेज जाएगी, ये हमारा जो मुल्क है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है आरके मिश्रा जी, आपसे समझा लूंगे कि संजय मिश्रा जी, आरके मिश्रा जी के सवाल का जवाब। आरके मिश्रा जी के सवाल का जवाब, वो अपने सवालों में खुद फंस रहे हैं। ये एक बात का जवाब दे दें कि इस बार तो अभी तो कोरोना का सेकेंड लहर चल रहा है, अभी चालू हुआ है। इनसे ये पूछिए मार्च 22 तारीख में कोरोना के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदम से 22 मार्च को भारत बंद किया, उन्होंने जनता कर्फ्यू किया, 22 तारीख से ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने 24 तारीख तक उसको बढ़ा दिया और 24 तारीख से हमारी केंद्र की सरकार ने कंटिन्यू उसको 15 दिन के लिए या 21 दिन के लिए कर दिया बराबर। मैं ये पूछता हूं मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने थे केंद्र सरकार के पास, कितनी बेड दी थी इन्होंने कोरोना के लिए, इनके कितने हॉस्पिटल थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिल्ली में कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा था। मैं अपनी बात में पहले ही बोला और अभी भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल सीरियस है और मैं अभी भी चाहता हूं कि ईमानदारी से मिश्रा जी चर्चा करें कि जनता को कैसे भला हो। उन्होंने सैलरी की बात की है, हर सैलरी का जवाब दीजिए। मैंने क्या कहा? उन्होंने इसका जवाब नहीं मांगा था कि आप लोगों ने लिस्ट जो दी थी उसके बेड मिले थे या नहीं मिले थे। उन्होंने इसका जवाब मांगा है कि जो फ्रंट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी अभी तक क्यों नहीं आई है। नर्सेस जो थी वो धरने पर बैठी हुई थी, उनका कहना था कि आप लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, हमने खुद ऑफर चलाई थी बहुत अच्छे से मुझे वो याद है। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था मुंह कवर करके वो लोग धरने पर बैठी हुई थी और ये कह रही थी कि अगर हमने अपना चेहरा दिखा दिया तो हमें हो सकता है जॉब से भी निकाल दिया जाए।
धरने पे समझ तो, रहे हैं आप? धरने पे तो देश के हर एक कर्मचारी बैठ रहे हैं आज के दिन में। जवाब दीजिए, नहीं देश की हर कर्मचारी जवाब तो फिर भी देना पड़ेगा। व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं, कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, सवाल ये था, किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सवाल नहीं था ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जवाब दीजिए। नहीं, आपके धरने का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि फ्रंट वर्कर्स को जो है कोरोना के टाइम पे भगवान की उपाधि दी गई, कि ये नहीं होते तो आज क्या स्थितियां हो जाती उनकी सैलरी। धरने का जवाब दीजिए। धरने की चिंता भारतीय जनता पार्टी को इतना है, देश की जनता की चिंता इनको इतनी की है कि दिल्ली के बॉर्डर पे बिल्कुल नहीं ले रही है। नहीं, फ्रंट वर्कर्स का ख्याल नहीं रख रही है। इन्होंने उनकी सैलरी 6-6 महीने से पेंडिंग है, आप नहीं दे रहे हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए ना। इन्होंने बताया ना कि धरना हुआ, कोर्ट ने, कोर्ट बीच में आया। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको इतनी चिंता है धरना की और जनता की, भारतीय जनता पार्टी को 120 दिन से प्लस हो चुका है। मैं पूछ रही हूँ, किसान बैठे हुए हैं, 170 लोगों की मौत हो चुकी है, ये इसमें धरना नहीं दिख रहा है, ये धरना इनको नहीं दिख रहा है। कोरोना की बात हो रही है, ये किसान पे जा रहे हैं, ये मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो धरना पे आ रहा हूँ। अरे संजय जी, मुझे जवाब चाहिए। अरे मुझे जवाब चाहिए भाई, मैं धरना पे आ रहा हूँ। सैलरी पर आइए, सैलरी पर आइए, धरना पे आ रहा हूँ। आप दिल्ली में आइए, आप सैलरी पर आइए, आप दिल्ली में आइए, आप प्रवासी मजदूरों पर आइए जो पलायन कर रहे हैं, आप मजदूरों पर आइए, आप दिल्ली पर आइए। दिल्ली देश की राजधानी नहीं है क्या? दिल्ली पंजाबियों का नहीं है क्या? दिल्ली बिहारियों का नहीं है क्या? दिल्ली हरियाणवियों का नहीं है क्या? दिल्ली मराठियों का नहीं है क्या? सैलरी कहाँ है फ्रंट वर्कर्स की? मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली दिल्ली किसकी है? सियासत करेंगे सिर्फ और सिर्फ। मैं कहीं सियासत नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहा हूँ। इन्हें दिल्ली का सहूलियत के लिए कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल दिल्ली सरकार ने सहूलियत नहीं दी, आप दिखा दीजिए। आपने बेड की बात की, दिल्ली सरकार ने सहूलियत नहीं दी, आप दिखा दीजिए। लास्ट टाइम केंद्र ने बेड जितने आप बोले थे उतने नहीं दी थी। मैं आपके मिश्रा जी इसका जवाब आपसे लूंगी आकर के, लेकिन उससे पहले संजय मिश्रा जी, तैयारियां आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए पूरी कर ली है, कमी बेशी अगर है हॉस्पिटल्स में, लिस्ट तैयार हो गई? बिल्कुल, केंद्र को भेज दी? बिल्कुल लिस्ट तैयार, केंद्र को भेज दी? बिल्कुल जाएगा। फिर से लास्ट ईयर बिल्कुल जाएगा, हमने भेजा, बिल्कुल जाएगा, फिर मिला नहीं, फिर केंद्र का दिया, हमें तो लिस्ट ही नहीं मिली। दिल्ली सरकार का एक सेकंड के लिए चूक नहीं होगा। बस आरके मिश्रा जी आपके पास आ रही सर, चूक को छोड़िए अभी। आप मुझे ये बताइए, दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, आपने कहा कि तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी हो गई? मैं चर्चा की स्टार्टिंग से आपसे पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल यह है, आपने अभी कहा लास्ट ईयर बेड की कमी हो गई थी, बेड की कमी अभी 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 कितने बेड से हॉस्पिटल्स में? लिस्ट बनाई आप लोगों ने, कमियां हैं, केंद्र को लिस्ट भेजी आप लोगों ने? लास्ट टाइम बेड की कमी थी, अमित शाह साहब ने मीटिंग की, भारतीय जनता पार्टी ने ढोल पीटा, केंद्र सरकार मिलके, अभी अभी मिश्रा जी ने भी बोला कि केंद्र सरकार मिलके काम किया, कितनी बेड की व्यवस्था करवाई इन्होंने? मिश्रा जी के पास जाऊं उनसे पूछ लीजिए, आप इनसे ये पूछ लीजिए कितनी बेड की व्यवस्था करवाई इन्होंने? आपसे कुछ ना पूछूं, आप सिर्फ सवाल से मेरे जनता को बरगलाएंगे, मेरे दर्शकों को भटकाएंगे। आपसे कुछ ना पूछूं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता के लिए कोई जवाब ही नहीं है। दिल्ली नहीं बताएंगे, सहूलियतें की जा रही हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, कहाँ है इंतजाम आप बताइए। आम आदमी पार्टी की जवाब दिल्ली की जनता दे चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को कंटिन्यू 25 साल से मिल रहा है, इनके पास जवाब नहीं है। जनता के लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और नहीं कर रही? पल्लवी जी, इनके पास जवाब नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके पास जवाब नहीं है मिश्रा जी? मेरे पास बिल्कुल, आपके मिश्रा जी जवाब दीजिए, यही जवाब है, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनकी राजनीति को जनता सोच चुकी है, आम आदमी पार्टी जब काम करती है। आरके मिश्रा जी आप पर कि आप लोगों ने लास्ट ईयर जो है वो सहूलियतें नहीं दी थी, लिस्ट के पल्लवी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। पल्लवी जी मैं जवाब दे रहा हूँ, देखिए ऐसा है, संजय जी के पास जवाब नहीं है, इनको अगर नैतिकता अगर बची हुई है इनमें, तो इनको आम आदमी पार्टी को ये सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और जो जनता इस तरह से प्रभावित होकर इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता की राजनीति करनी है। आम आदमी पार्टी सत्ता छोड़ दे, कांग्रेस सत्ता छोड़ दे, टीएमसी सत्ता छोड़ दे, पूरी देश भाजपा को दे दे। पल्लवी जी इनको जरा चुप कराइए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ इनको। देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार पिछली बार भी जो लहर आई थी, जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से, अमित शाह जी ने जो एलएनजेपी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से पूरी तरह से केंद्र सरकार, जैसे जैसे राज्य सरकार ने इनिशिएट नहीं लिया, केंद्र सरकार ने खुद इनिशिएट लिया। इनके पास बेड नहीं थे, वो 10,000 बेड वाला ये व्यवस्था की गई थी, आपको याद होगा, आप लोग तो मीडिया के आदमी हैं, जो किस तरह से बेड की व्यवस्था की गई थी वहां पे। तो इसलिए राज्य सरकार के पास
देखिए ऐसा है, इनके पास ईगो हो सकता है, इनके पास जनता के लिए कोई विजन नहीं हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के पास इतनी विजन है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कहीं ना कहीं से मोदी जी की नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा की सरकार केंद्र में आए हो, वो चाहे कोई भी हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी आप आए, उसमें कदम से कदम मिला करके खुद ही केंद्र सरकार, आज प्रधानमंत्री जी खुद हर एक मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, खास करके कोरोना के विषय के ऊपर भी बैठक कर रहे हैं। आपने देखा होगा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो उसमें भाग नहीं ले रही है, ये राजनीति कर रही है। अरे जब केंद्र सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है, जो कहां पर किसकी कमी है, तो आप उस मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं, ये राजनीति है, ये राजनीति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता को कभी भी भ्रमित ना करें। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो केंद्र सरकार के पास आप लिस्ट भेजिए, आपकी तो अभी लिस्टिंग भी नहीं हुई है, आपके पास कितना हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, आपके पास लिस्टिंग नहीं है, आपके पास आप क्या बात कर रहे हैं। अभी तो मजदूर पलायन करने के लिए जिस तरह से मजबूर हो रहे हैं ना, आपने सारी इंडस्ट्रीज को दिल्ली से भगा दिया। पार्टी ने हॉस्पिटल्स को लेकर के लिस्ट तैयार नहीं की क्योंकि केंद्र के पास पहुंची नहीं, यही कहना चाहते ना मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी? देखिए बिल्कुल, देखिए अगर आपको राज्य सरकार के पास किसी तरह की अगर कमी है तो निश्चित तौर पर वो केंद्र सरकार के पास लिस्ट भेज सकती है। हाँ। और केंद्र सरकार ऐसी बैठी हुई है जो क्विक एक्शन लेगी वो, ठीक है, ये नहीं कह सकते, उसके बहाने नहीं चलेंगे आपके। संजय मिश्रा आपके बहाने नहीं चलेंगे आपके, ठीक है। संजय मिश्रा जी, मैं इनसे मिश्रा जी से ये सवाल मैं चाहता हूँ आप ही पूछ लें इनसे। इन्होंने जो चीजें इन्होंने अभी गिनाई है, इनकी राजनीति देखिए, इनकी राजनीति और कितनी सिंसियर, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को लेकर कितनी सिंसियर है इनसे देखिए। ये कह रहे हैं कि बंगाल में कोरोना है, महाराष्ट्र में कोरोना है, पंजाब में कोरोना है, दिल्ली में कोरोना है। अरे सर, दिल्ली की बात करिए ना मिश्रा जी, यहाँ पर आपसे मैंने लिस्ट भेजी है, नहीं दिल्ली के ऊपर मिश्रा जी ने बोला कि आप लोगों ने लिस्ट नहीं भेजी, आप लोगों की तैयारियां नहीं है। आम आदमी पार्टी बंगाल की बात क्यों ना करे, करने के लिए आप लोगों की तैयारियां नहीं है। आम आदमी पार्टी बंगाल की बात क्यों ना करे, सिर्फ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात करें। आम आदमी पार्टी अगर बंगाल की बात करेगा तो उसके लिए अलग डिबेट रखेंगे। अभी दिल्ली में कोरोना है, दिल्ली के लिए बात करिए। बंगाल लेकर आपके गोल गोल जवाब से काम नहीं चलेगा। अरे मिश्रा सर, बंगाल आप लाए, आपके गोल गोल जवाब से काम नहीं चलेगा। आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही है, दिल्ली की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, और जवाब बनता है आपका। स्थिति से गुजर रहा है भारत, बहुत गंभीर स्थिति से। राज्य सरकार लिस्ट नहीं भेज रही है, आपने कहा था कि हॉस्पिटल्स में और बाकी चीजों में हमें चीजें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि जनता को कम से कम सहूलियत मिल सके, जनता परेशान ना हो सके। अब राज्यों ने जब तैयारियां नहीं की, केंद्र का कहना है राज्य हमारे पास लिस्ट नहीं भेज रही है कि क्या तैयारियां हैं उनकी, क्या नहीं तैयारियां, ये स्थिति है। सेकंड फेज आ चुका है, राज्य और केंद्र कि ये स्थिति है, जनता आखिर क्या करेगी फिर? बेदी साहब, पल्लवी जी, ये बहुत ही अफसोसजनक एक स्थिति है कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस साइंटिफिक युग में उन्होंने जो 7 साल में वैक्सीन बनती थी 1 साल में तैयार करके जनता तक पहुंचा दी है। मगर अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की है, स्टेट की है, आप जो ये बहस देख रहे हो इससे मालूम पड़ता है, डॉक्टर होने के नाते मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, डॉक्टर्स के लिए जिस बीमारी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, उसके लक्षण क्या हैं, उसके टीका क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, आज से 1 साल पहले तो काफी हद तक हम इसका आज इलाज भी करने में सक्षम है, इसके इन्वेस्टिगेशन भी, इनके लक्षण भी जान चुके हैं। इतना कुछ हमने उपलब्ध किया है डॉक्टर होने के नाते और साइंटिस्ट होने के नाते, खास करके मॉडर्न मेडिसिन के, मगर हमें सहायता शायद नहीं मिल रही है उतनी जितनी के हम अपेक्षा करते हैं, या आज जनता जो है यहाँ की वो अपेक्षा करती है हमारे गवर्नमेंट के साथ। नहीं, आप दोनों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज डॉक्टर्स को आप हेल्प कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, हेल्थ के बजट इंक्रीज कीजिए, और साइंटिफिक जो एक पद्धति है उसके हिसाब से अगर हम इस जंग को लड़ेंगे तभी हम इससे पार निकलेंगे, नहीं तो हम इसमें और दलदल में घुसने वाले हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि थर्ड वेव भी आ सकती है, तो ये सब चीजें जो जंग है ये बहुत लंबी जंग है, और इसके जो सिपाही हैं, जो डॉक्टर्स और जो कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, जब तक उनका आप
अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, ये जंग आप जीतने वाले नहीं हो। मेरी साहब आपने भी कहा अब हमारे पास वैक्सीन है, हम सक्षम हो चुके हैं कि हम कोरोना की महामारी से निपट सकते हैं। मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगा रहे हैं, जनता देखा जा रहा है कि मास्क लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मास्क भी लगाया जा रहा है, वैक्सीन भी आ चुकी है और कहीं ना कहीं सबको पता भी है कि हाँ कोरोना अभी हमारे बीच में है, कोरोना कहीं गया नहीं था, वो हमारे बीच में है और हो सकता है कि वो आगे आने वाले कुछ सालों तक रहे, हमें बचाव करना है। फिर भी अगर दुनिया की बात करें, संक्रमित होने वाले 5 लोगों में से 1 भारतीय है, ऐसा क्यों, वजह क्या है? और इसके साथ साथ ये भी दर्शकों को बता दीजिए कि सहूलियतें क्या बरती जाए। आपने पते की बात की है कि पर्सनल प्रोटेक्शन, निजी बचाव जो है वही एक रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और अपने सत्य संबंधियों को और नजदीक के लोगों को बचा सकते हैं। सरकारों के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा, मगर सरकार जो है वो अपनी टाइम से फंसी है, पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, सेंट्रल स्टेट जो अपने एक तरीका है उसको जो लागू करने में भी टाइम लगता है। तब तक के लिए 4 चीजें 8 दिन में हो गई है, मास्क पहले था, सोशल डिस्टेंसिंग पहले थी और सैनिटाइजेशन पहले थी, इसमें वैक्सीन भी आ गई है। वैक्सीन को जितने भी लोग लगवा सकते हैं जो आज 45 साल से ऊपर है उनको जो है जाके वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन से एक बात तो तय है कि चाहे इन्फेक्शन वो भी तो सिवियरिटी नहीं होगी और ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कह दूंगा, हम एक्सपोर कर रहे हैं, अब ये टाइम से आ गया है क्योंकि हमारा जो देश सबसे एक बड़ा विशाल देश है, 135 करोड़ की जनता है, तो वो अगर हो सके तो हमें इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि बाहर के मुल्कों भी हम वैक्सीन इम्पोर्ट करें। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ग्रीकार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।